नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी बॉडी को फिट बनाना है, एब्स बनाने हैं और 2 वीक में अगर आप लोगों को एब्स बनाने हैं तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसकी हेल्प से आप लोग मोटी चर्बी को भी कम कर सकते हैं। तो अपना लैपटॉप उठा लीजिए, फ़ोन उठा लीजिए और सुबह ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए जो इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। आप भी बना सकते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट और साथ ही अपनी स्किन को बना सकते हैं हेल्दी एंड ग्लोइंग। तो ये कुछ एक्सरसाइज है। सबसे पहली एक्सरसाइज को हम लोग लेकर चलेंगे रनिंग, यानी कि जो लोग रनिंग नहीं कर सकते हैं वो जॉगिंग कर सकते हैं या सिंपल वॉक कर सकते हैं। जब आप लोग वॉक करते हैं तो आप लोगों का कार्डियो जो है वो पंप आउट करने लगता है। इसमें एक बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोगों की जो टोटल बॉडी है उसका जो फैट है वो रिड्यूस होता है, और ये फैट रिड्यूस होना ज़रूरी है। आप लोगों का जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलना ज़रूरी है पसीने के ज़रिए, ताकि आप लोगों की जो टॉक्सिटी है वो भी बाहर निकले और बेकार का जो फैट है वो भी रिड्यूस हो, आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो, जिससे आप लोगों की बॉडी जो है वो स्लिम फिट जो है वो बन जाए। स्लिम फिट बनाने के बाद आप लोगों की रनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, या हम लोग कहें कि तकरीबन आप लोग 15 मिनट की जॉगिंग करें, रुक रुक कर ही कर लें लेकिन 15 मिनट की जॉगिंग जो है करें, टाइम देख कर करें, वो अच्छा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बॉक्स अप विद क्रंच। बॉक्स अप विद क्रंच का मतलब है एक सिंपल आप लोग एक सिंपल बॉक्स रखें और उसके ऊपर जो है आप लोग जो है नी अप करें, यानी कहने का मतलब है एक घुटना मोड़कर आप लोगों को अपने चेस्ट की ओर लेकर जाना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पहले लेफ्ट लेग के साथ करें, फिर राइट लेग के साथ करें। जो बॉक्स पर पैर होगा वो ध्यान रखिएगा वो बॉक्स पर होगा, और जो दूसरा पैर होगा वो आप लोगों की नीज की ओर होगा, यानी चेस्ट की ओर होगा, नीज को टर्न आउट करके। तो ये एक्सरसाइज करने से आप लोगों की बैली जो है वो एक्टिव होती है। नंबर तीसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट जंप्स। स्क्वाट जंप्स को तो आप लोग जानते ही हैं, थाइस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप लोगों की एब्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फास्ट फॉरवर्ड बैंड। फास्ट फॉरवर्ड बैंड जो है आप लोग अपनी बैलीज को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इसमें आप लोगों को एक पैर की ओर जो है बैंड करना है और दूसरा पैर जो है आप लोगों को मोड़ कर रखना है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, और फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे तो आप लोगों की जो बैली है वो बहुत जल्दी जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही आप लोगों की जो टमी है वो रातों रात भी गायब हो सकती है, ये कह सकते हैं आप लोग। साइड लेग रेज, इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड लेग रेज। साइड लेग रेज से आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो उससे क्या होगा, जो बाहर का फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप लोगों की एब्स मसल्स जो हैं वो निखर कर बाहर दिखने लग जाएंगी। तो जो लोग एब्स बनाना चाहते हैं, एब्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी टमी को रिड्यूस करना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। साइड लेग रेज में आप लोग जो हैं एक लेफ्ट लेग के साथ भी वही करें और जो राइट लेग है उसके साथ भी वही करें। आप लोगों की थाइस स्लिम हो जाएंगी, आप लोगों के लेग्स जो हैं एकदम ऐसे हो जाएंगे स्लिम फिट कि आप लोगों को जब आप लोग उसे देखेंगे तो आप लोगों को भी गर्व महसूस होगा कि यस यू आर द फिट। ओके, सो सिर्फ आप लोगों को एक साइड बैंड की तरह जो है वो अप एंड डाउन जो है वो लेग्स को करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक विद वेरिएशंस। प्लैंक विद वेरिएशंस में आप लोगों को नॉर्मल प्लैंक एक्सरसाइज करनी है जो आप लोगों की बैली को टाइट करती है। बैली को टाइट करेगी तो डेफिनेटली आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो इंगेज रहेंगी, और इंगेज करना डेफिनेटली इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों का जो स्टमक फैट है वो जल्दी गायब हो जाए। थकिएगा नहीं, 30 सेकंड कीजिएगा, उसके बाद में फिर से खड़े हो जाइएगा। अब प्लैंक विद वेरिएशंस है, प्लैंक करने के बाद आप लोग जो है मूव कर लें अपने हिप्स को। तो हिप्स को मूव करना है लेफ्ट एंड राइट। इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की जो साइड की चर्बी है, जिसे हम लोग कमर की चर्बी बोलते हैं, वो कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाती है। तो इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि कमर की चर्बी अगर कम करनी हो तो आप लोग जो है प्लैंक मूव करें, हिप डिप्स करें। हिप को इधर उधर डिप्स करने से आप लोगों की जो चर्बी है, एक्सटर्नल जो चर्बी है साइडों की कमर की, वो कम होने लगती है, और आप लोगों की जो है एक शेप जो है कमर की जो शेप है वो बहुत सुंदर बनने लगती है। तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं प्लैंक विद वेरिएशंस। अब कुछ योगासन हैं, योगा के मूव्स हैं जिसे आप लोगों को करना है, और ये योगा मूव्स जो है आप लोगों को एब्स बनाने में बहुत अधिक मदद करेंगे, आप लोगों की परफेक्ट बॉडी को एक अच्छी शेप देंगे। तो ये पहला योगा है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट मूव है जिसे आप लोगों को करना है।
इसमें आप लोगों को दोनों पैर पर खड़ा होना है, उसके बाद में एक पैर को मोड़कर आप लोगों को एक जिस पैर को आप लोगों ने टर्न किया है पीछे की ओर, उसी हाथ से आप लोगों को वो पैर जो है पकड़ना है, और जो जो बचा हुआ हाथ है उसे आप लोगों को सीधा करना है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया गया है कि राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ा पीछे की टर्न करके, और लेफ्ट हैंड को आप लोगों ने सामने की ओर कर लिया। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगी। मसल्स अगर स्ट्रेच होंगी तो आप लोगों की जो फैट है, बेकार का जो फैट है वो भी, बेकार का फैट जो है वो गायब होने लगेगा, और साथ ही मेटाबॉलिक रेट भी आप लोगों की इंक्रीज होने लगेगी। तो ये मूव कर सकते हैं। दूसरा मूव है आप लोगों को सिंगल लेग फॉरवर्ड मूव करना है। सिंगल लेग फॉरवर्ड मूव में आप लोग क्या करें, एक पैर को आप लोग मोड़कर जो है पेल्विक पोर्शन के पास, प्यूबिक पोर्शन के पास रख लें। उसके बाद में आप लोगों के दोनों हाथ जो है, जो लेग सीधा है उसकी ओर जो है टर्न कर लें। इससे क्या होगा, आप लोगों की जो साइड की चर्बी है वो कितनी जल्दी कम हो जाती है आप लोग देखिएगा। तो इससे आप लोगों को एक बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों की कमर की शेप जो है वो बहुत सुंदर बनने लगती है, आप लोग फिश शेप में आने लगते हैं। जो लोग फिश शेप में या कर्वी फिगर बनाना चाहते हैं वो एक्सरसाइज ज़रूर करें, और साथ ही बैक पेन भी रिड्यूस हो सकता है, तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मूव है वो ये है कि दोनों पैर को आप लोग फैला लें, और उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट मूव आप लोगों को करना है। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के साइड की चर्बी को कम करने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद करती है। तो जिन लोगों से हो एक्सरसाइज वही करें, और जिन लोगों से नहीं हो वो ना करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर जो एक्सरसाइज करेंगे वही ज़्यादा बेहतर रहेगी मेरी तरफ से, तो अगर आप लोग मानेंगे तो। और ये मूव्स जो है आप लोगों की जो साइड की चर्बी है उसे खत्म करने में बहुत अधिक मदद करता है। अब ये मूव भी आप लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट मूव आप लोग कीजिए। सिंपल योगा पोज है ये, और इसे भी आप लोग आजमा सकते हैं। दोनों आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना है, क्रॉस यानी अपोजिट लेग एंड हैंड का इस्तेमाल करना है, लेग को पीछे की ओर ले जाना है डंकी किक की तरह, और सामने आप लोगों को एक हाथ करना है, क्रॉस आप लोग लेग हैंड बोल सकते हैं। तो ये उठाने पर भी आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं, पेट की जो कोर मसल्स हैं वो इंगेज रहती हैं, और ये दोनों हाथों से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों को होगा, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मूव की। नेक्स्ट मूव में आप लोग जो है ये मूव करें जिसमें आप लोगों की बैलीज की जो फैट है वो भी रिड्यूस होगा, और ग्लूट मसल्स भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो ये मूव्स भी आप लोग कर सकते हैं। तो अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन रोज़ उठाइए और कीजिए ये सभी मूव्स जो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों को बताता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।